بسم الله الرحمن الرحيم। लाल खान के वालिद आए थे, नहीं मिल रहे उमरे पे, सूरत वज़ुहा पढ़ के दुआ करो, इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। इम्तियाज वाले जो हैं उन्ने सलाम की बड़ी मेहरबानी, वाले सलाम। ख्वाबों की ताबीर से किसी भी उलमा से राबता कर लें, या ख्वाबों की ताबीर के बारे में मोहम्मद इबन सीरीन की किताब है ताबीर रोया, अब वो उर्दू में भी छप गई है, वो ले लें तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। मैं हाफिज़े कुरान हूँ, ज़बान अटकती है, तो आप वही दुआ मांगा करें जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी, रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शादी के बाद मेरी बीवी पे मेरे वालिदैन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, तो आपके वालिदैन उसके भी वालिदैन हैं, उनकी भी वो खिदमत करें। लड़की के ससुराल वाले जहीज़ हमें मांग रहे हैं, लेकिन लड़की के माँ बाप अपनी खुशी से लड़की को जहीज़ दे रहे हैं, लड़की वाले अमीर हैं, अपनी खुशी से कोई दे वो तो जायज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती जहीज़ का मुतालबा किया जाए वो हराम है। आजकल कहते हैं ना जी, हमारा लड़का जी डॉक्टर है, हम कैसे दे दें, हम तो तब निकाह करेंगे कि आप उसको एक गाड़ी लेकर दें, फ्रिज लेके दें, टीवी लेके दें, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। मियाँ बीवी में अक्सर नाचाकी रहती है, तो या लतीफ़ हो या वदूद, अल्लाह के नाम है ये पढ़ के चलते फिरते दुआ भी किया करो, पानी में दम करके पिलाया करो, ख़ुद भी पिया करो। मेरा बेटा अपना कारसूद में पैसे ले लिए, जब सऊद लाखों रुपए हो गया तो भाग गया बीवी बच्चों को लेकर, बारह अल्लाह उसको हिदायत दे, इतनी तौफीक दे कि वो अपनी जान छुड़ाए। सूद का नतीजा तो यही है, आकबत भी ख़राब और दुनिया भी ख़राब। मेरे ससुराल वाले मुझे मारते हैं, मेरा शौहर एक जूठा आदमी है, उसने चुपके से दूसरी शादी भी की।